आई एम श्योर अंकल ने कोई मजाक किया है। कोई भी अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कभी कभार पेरेंट्स बगैर सोचे समझे रिश्ते करवा देते हैं, और मंगनियाँ भी। और औलाद का फर्ज है कि वो अपने पेरेंट्स की बात माने, उनकी इज्जत का मान भी रखे। तो दानिया उससे शादी कर ले। देखो मुझे यकीन है अंकल ने कुछ सोच कर ही ऐसा किया होगा। आई थिंक हमें कुछ दिन वेट करना चाहिए, फौरन इनकार नहीं करना चाहिए। भैया दानिया कहाँ है? दादी दानिया कमरे में। ये सब क्या हो रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरे तो दिमाग में पटाखे चल रहे हैं, बल्कि धमाके हो रहे हैं। शनों से को खाना जल्दी लगाया ताकि लोग जल्दी से रवाना हो जाए। और वो जो मामा ची है ना, ची ची कर रहा है वो, दिलचस्प की गिच्ची मरोड़ दो। उन्होंने क्या कर दिया अब? अरे हमारे घर के सारे बल्ब गिनता फिर रहा है। कह रहे इस घर में 24 बल्ब है, यानी कुंडा तो लगा हुआ होगा। जस्ट चेक हिज मेंटेलिटी, खुद की शक्ल कुंडे से मिलती है। चन्नो भाई जल्दी लगाओ खाना, मैं तो जा रही हूँ। अदानिया खाए वैसे? कमरे में है दादू। भाई जल्दी लगाओ खाना, जान छोड़ो मेरी इनसे। सम से अगर आज भी दानिया की अम्मी होती ना, सम से टंगड़ी तोड़ के ना इनके हाथ में पकड़ा देती। रुको, दानिया की अम्मी? हाँ। गुस्से वाली थी क्या? लो बताओ, गुस्से वाली। इतना गुस्सा था कि हमारे लिए ये कांच के बर्तन है ना, ये घर में रखना अजाब हो गया था। शन्नो यार तुम्हारे मुंह से पहली बार उनका जिक्र सुन रही हूँ। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अंदाजा है कि ऐसे मौके पे लड़की को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी माँ की होती है। ये तो है।